सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? टिश्यू की, यानी ऊतक की। और इस टिश्यू को आप किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो? कैन बी ऑब्टेन इन टू वेज। इसको आप दो अलग अलग रास्ते से निकाल सकते हो। सबसे पहले इनसाइडल बायोप्सी, दूसरा है एक्साइडल बायोप्सी। इससे पहले आप समझो बायोप्सी क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू या ऊतक की इन्वेस्टिगेशन, रिमूव फ्रॉम ए लिविंग बॉडी, यानी जिंदा ह्यूमन से उसको बाहर निकाल के उसकी इन्वेस्टिगेशन। किस चीज के लिए? टू डिस्कवर द, यानी किस चीज की खोज के लिए? द प्रेजेंस, यानी किस चीज की उपस्थिति के लिए? कॉजेस और एक्सटेंड ऑफ डिजीज, यानी उसमें बीमारी कौन से टाइप की है या कौन सी उस टिश्यू के अंदर प्रॉब्लम है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब एक जिंदा ह्यूमन बॉडी से आप टिश्यू का टुकड़ा निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? बायोप्सी। नेक्स्ट है, जो बायोप्सी के निकालने के दो टाइप थे वो दो है, एक तो इनसाइजनल, एक एक्साइजनल। सबसे पहले आप देखो इनसाइजनल बायोप्सी। इन दिस टेस्ट स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी नीडल एंड एग्जामिन फॉर पैथोलॉजिकल चेंजेस। इनसाइजनल बायोप्सी में आप क्या करोगे कि जो बायोप्सी नीडल है उसको इंजेक्ट करवा के ट्यूमर या लीजन के अंदर, उसके अंदर जो सेलुलर मटेरियल है उसको बाहर निकाल लोगे और लैब के अंदर सेंड कर दोगे। फिर उसको क्या करोगे, उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे। ये क्या है? इनसाइजनल बायोप्सी। दूसरी है एक्साइजनल बायोप्सी। इन दिस मेथड द ऑल ट्यूमर और लीजन आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गन। इस एक्साइजनल बायोप्सी के अंदर क्या होगा कि जिस पोर्शन के अंदर, टिश्यू के अंदर डिजीज है, उस पूरे पोर्शन को आप क्या कर लोगे? रिमूव कर लोगे। नेक्स्ट एक डायग्राम में जो किसका है, इनसाइजनल बायोप्सी का, यानी बोन मैरो एस्पायरेशन, जिसके अंदर बोन मैरो का सैंपल लिया है। नेक्स्ट है एक्साइजनल और इनसाइजनल बायोप्सी में डिफरेंस। इनसाइजनल बायोप्सी में आप देखोगे उसके अंदर एक नीडल इंजेक्ट करवा के ट्यूमर में सैंपल ले रहे हैं, लेकिन एक्साइजनल बायोप्सी में जब आप देखोगे जिस पोर्शन के अंदर डिजीज है उस पूरे पोर्शन को ही स्किन से बाहर निकाल लिया है। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, कि जब आप एक सैंपल को कलेक्ट कर लोगे, आप या पैथोलॉजिस्ट जब एक सैंपल को ह्यूमन बॉडी से निकाल लेगा, तो उसके बाद लैब के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं? सबसे पहले आता है रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी लैब के अंदर उस स्पेसिमेन को रिसीव करना, कि रिसीव करते टाइम क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन, उसके बाद उसको फिक्स करोगे ताकि उसके अंदर डीके या ऑटोलाइसिस ना हो, यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंज ना हो, उसके शेप एंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप करोगे डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू, यानी उस टिश्यू के अंदर अगर कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है उसको क्या कर लोगे? रिमूव कर लोगे, ताकि सेक्शन कटिंग क्या हो उसकी अच्छे तरीके से हो। नेक्स्ट ग्रोथिंग, फिर उस टिश्यू को क्या है, ग्रोथ करोगे, देखोगे, देख के कि किस पोर्शन के अंदर लीजन है, उस पोर्शन को टिश्यू से अलग कर लोगे। अलग करके फिर क्या करोगे, उसकी प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले क्या करोगे, डिहाइड्रेशन इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर स्पेस बन जाए, यानी एक रूम बन जाए किस चीज के लिए, वैक्स के लिए। इसको डिहाइड्रेशन के लिए आप किसको काम में लेते हो, उसकी एल्कोहल को, इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट जब एल्कोहल को यूज करते हो तो वो क्या है, वैक्स के अंदर मिक्स नहीं होता, एल्कोहल को क्लियर करने के लिए सेकेंड स्टेप क्या है, क्लियरिंग, यानी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को क्लियर करने के लिए दूसरा स्टेप क्या काम में लेते हो, क्लियरिंग। क्लियरिंग के अंदर आप किसको काम में लेते हो, जाइलिन को, जो किसको रिमूव कर लेता है, एल्कोहल को। और जाइलिन के वैक्स के अंदर मिशेबल है, यानी मिक्सेबल है, उसके साथ अच्छे तरीके से सॉल्यूट हो जाती है। जब टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हो, एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग, उसके प्लास्टिक या मेटल के ब्लॉक बनाते हो टिश्यू के। उसके बाद में ब्लॉक मेकिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइक्रोटोमी या सेक्शन कटिंग, यानी उस टिश्यू के छोटे छोटे 5 से 7 टुकड़े करके या 5 से 7 सेक्शन प्रिपेयर करते हो। सेक्शन प्रिपेयर करके उसको किसके ऊपर ले लेते हो, स्लाइड के ऊपर। फिर क्या करते हो, उसके नेक्स्ट स्टेप स्टेनिंग, यानी उसको क्या करते हो आप, स्टेन। और स्टेनिंग के अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मोस्टली जो स्टेन काम में लेते हो, एच एंड ई, यानी फ्लुइडोक्सिलिन एंड इओसिन स्टेन। नेक्स्ट है माउंटिंग, यानी उसको क्या है, एक जगह फिक्स करना, यानी स्टेनिंग के बाद उस सेक्शन को स्लाइड के ऊपर फिक्स करना। माउंटेंट मीडिया आप क्या काम में लेते हो, डीपीएस। अगर वो स्लाइड अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो तो उसको क्या है, लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए क्या करते हैं, माउंटिंग। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड, और फिर आप क्या करोगे,
क्लाइंट की इन्वेस्टिगेशन। चलो देखिए मैं आज हम जब प्रीवियस लेक्चर की समरी कर लें तो आप किसके ऊपर डिस्कस करोगे? जो हिस्टोपैथोलॉजी की लैब के अंदर फर्स्ट स्टेप है उसके ऊपर रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन यानी सैंपल को क्या करोगे आप? रिसीव करोगे। रिसीव करते टाइम कौन से प्रिकॉशंस यानी सावधानियां काम में लोगे? तो सबसे पहले देखो व्हेन रिसीविंग द टिश्यू चेक वेदर द फिक्सेटिव इज इन प्रॉपर अमाउंट और नॉट। कि जब आप सैंपल को रिसीव करोगे तो सबसे पहले क्या देखोगे? उसके अंदर फिक्सेटिव का अमाउंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। इफ नॉट देन अगर नहीं है ऐड फिक्सेटिव टू द कंटेनर। तो क्या करोगे आप? फिक्सेटिव को उसके अंदर ऐड कर दोगे यानी डाल दोगे। पहली लाइन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप टिश्यू को रिसीव करते टाइम उसको चेक करोगे कि उसके अंदर फिक्सेटिव प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके अंदर फिक्सेटिव आप ऐड कर दोगे कंटेनर। नेक्स्ट लाइन क्या है? द अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव would be 20 times more than the tissue volume. यानी जो fixative का amount है, the amount of fixative, fixative को जो मात्रा है, should be यानी कितनी होनी चाहिए? 20 times, 20 गुना किससे? More than tissue volume से। Tissue के आयतन से कितनी होनी चाहिए? 20 गुना। यानी जो आप fixative काम में लोगे, वो क्या है? Tissue के आयतन से 20 गुना ज्यादा होना चाहिए। Next third line है, patient should have dually filled form. मतलब कि पेशेंट का जो अटेंडर है उसके पास क्या चीज होनी चाहिए? एक फॉर्म होना चाहिए जिसको कितनी बार भरा हुआ होना चाहिए? 2 बार। जिसके अंदर क्या क्या चीजें स्पेसिफाइंग होनी चाहिए? सबसे पहले पेशेंट का नेम, फिर उसकी एज, फिर क्या है सेक्स, फिर हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर कि कौन से हॉस्पिटल से, फिर वार्ड नंबर, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नेचर ऑफ टिश्यू मस्ट बी स्पेसिफाइड। यानी उस फॉर्म के अंदर टिश्यू का नेचर स्पेसिफाइड यानी लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन से ऑर्गन से वो रिसीव किया गया है, जैसे लंग से या फिर लीवर से या फिर इंटेस्टाइन से या फिर स्टमक से, किस चीज से वो सैंपल रिसीव किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो चीज मोस्टली स्पेसिफाइड होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट चीज क्या देखोगे आप? चेक वेदर द स्पेसिमेन इज टू लार्ज। यानी क्या है कि आपने जो सैंपल रिसीव किया है वो क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है। देन इट कंपैरिजन टू द कंटेनर। किसके कंपैरिजन में? जिस कंटेनर के अंदर सैंपल को रखा हुआ है उसके कंपैरिजन में सैंपल क्या है? काफी बड़ा है। दैट कैन कोज, जो क्या कर सकता है उसके अंदर कोज यानी किसी चीज को करना, डिस्टोरिएशन यानी उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा या डैमेज कर देगा। इन द शेप ऑफ टिश्यू, यानी कि अगर आपका सैंपल कंटेनर के कंपैरिजन में क्या है? बड़ा है, उसकी जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इन द शेप ऑफ टिश्यू। नेक्स्ट क्या है? इफ इट अकर, अगर ऐसा हो रहा है, देन आस्क टू द पेशेंट अटेंडर। तब आप क्या करोगे? पेशेंट का जो अटेंडर है उसके साथ है उसको बोलोगे किस चीज के लिए? टू ब्रिंग सफिशियंट कंटेनर, यानी कि एक सफिशियंट जिसके अंदर टिश्यू आराम से आ सके वो कंटेनर लेके आए, जिससे टिश्यू को आप उसके अंदर रख सको। नेक्स्ट क्या है? इफ टिश्यू इज टू लार्ज देन कॉल द पैथोलॉजिस्ट हु विल मेक कट इनटू द स्पेसिमेन। और आपका जो टिश्यू सैंपल है वो क्या है? काफी बड़ा है अगर, तो आप क्या करोगे? कॉल द पैथोलॉजिस्ट यानी पैथोलॉजिस्ट को बुलाओगे जो उसको इन्वेस्टिगेट करके यानी एग्जामिन ग्रोथ करके देख के उसके अंदर क्या है? कटिंग कर देगा, उसको 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर देगा, जिससे आप उसका उसको फिक्स अच्छे तरीके से कर सको। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है? पिक्चर ऑफ सैंपल रिसीविंग, यानी एक सैंपल रखा है साइड में और एक क्या रखा है? फॉर्म। सैंपल के अंदर फिक्सेटिव आप देख रहे हो दिखाई दे रहा है कि कितने गुना है उससे? लगभग 20 गुना है, काफी ज्यादा क्वांटिटी है। और साइड में क्या रखा है? ड्यूअली फिल्ड फॉर्म, जिसके अंदर सारी चीजें स्पेसिफाइंग होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या आता है? जब आप एक सैंपल को रिसीव कर लेते हो, रिसीव करने के बाद उसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या आती है? रिसीविंग के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर देना, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप अलग अलग सैंपल का कंटेनर देख के उसको पहचान लोगे कि ये कौन से पेशेंट का है।
सबसे पहले क्या आता है उसमें, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। इसके अंदर फर्स्ट लाइन में क्या है, गिव ए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर टू ए टिश्यू सैंपल व्हेन रिसीविंग सैंपल इन लैब। यानी जब आप एक टिश्यू को रिसीव कर लोगे, यानी उसके अंदर सारी चीजें फिक्सेटिव अमाउंट या फिर उसका फोरम वगैरह सारी चीजें चेक करने के बाद उसको क्या दोगे आप, एक लैब का स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे, जिससे उसके आगे की सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी और वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ पूरी प्रोसेसिंग में साथ रहेगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, द रजिस्ट्रेशन नंबर विल रिमेन विद द टिश्यू ड्यूरिंग होल प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेशन। और जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसको दोगे सैंपल को, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारी जो हिस्टोपैथोलॉजी की प्रोसीजर है लैब के अंदर उसके अंदर उसके साथ ही रहेगा सैंपल के। नेक्स्ट क्या है, राइट द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द पेशेंट रिसिप्ट। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने उस कंटेनर को दिया है, सैंपल को दिया है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप किसके ऊपर लिखोगे, पेशेंट की रिसिप्ट के ऊपर लिखोगे, ताकि वो रिपोर्ट को जब कलेक्ट करे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बता के कलेक्ट कर ले। नेक्स्ट है सैंपल की पैकिंग, यानी कि जब पेन पैकिंग, यानी कि जब एक सैंपल लैब के अंदर आता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आप देखोगे, उसके अंदर सारी चीजें चेक करनी है कि उसके अंदर नाम लिखा हुआ है कि नहीं है, ठीक है, नेचर ऑफ टिश्यू लिखा हुआ है कि नहीं है, फिक्सेटिव प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, और किस चीज से वो लिया गया है सैंपल। नेक्स्ट इमेज में एक सैंपल कंटेनर दिखाए गए हैं जिसके अंदर क्या है, बायोप्सी का सैंपल और फिक्सेटिव अमाउंट दिखाया गया है, जिसको आप जो हॉस्पिटल से कलेक्ट करके पैथोलॉजिस्ट आपके पास इसी कंटेनर में सैंपल को भेजता है और आप इसके ऊपर इसको रिसीव करते हो, रिसेप्शन की सारी प्रोसीजर कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इमेज, यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर उसको दोगे तो किस तरीके से दोगे, क्या क्या चीजें उसमें स्पेसिफाइंग करोगे स्पेसिमैन में। तो सबसे पहले देखो, यूज प्री प्रिंटेड बार कोड लेबल, यानी एक बार कोड लेबल उसके ऊपर क्या है, सबसे पहले चिपका दोगे, उसके ऊपर क्या लिखोगे, ऑन स्पेसिमैन कंटेनर, सबसे पहले स्पेसिमैन कंटेनर पे उसको क्या है चिपकाओगे, ऑन फील्ड डाटा कलेक्शन फॉर्म, उसके अंदर जो डाटा लिखा होगा उस बार कोड के अंदर, जैसे कि नेम या फिर सैंपल का नेचर या फिर उसकी एज, ठीक है, या फिर सेक्स, यानी मेल है या फीमेल है लोगों के अंदर। नेक्स्ट लेबल इज स्पेसिमैन विद, और हर एक स्पेसिमेन को आप किसके साथ लेबल करोगे, सब्जेक्ट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कि हर एक स्पेसिमेन को एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर दोगे, जिसके जिससे उस पेशेंट के सैंपल को आइडेंटिफाई कर सको आप लैब में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। और आपका जो थैंक्स टू ऑल नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो होगा फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन के ऊपर, जो कि क्या एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएमएलटी के अंदर। बोल दो। ये जो आपकी सारी ऑनलाइन क्लासेस है इनके नोट्स सभी स्टूडेंट प्रिपेयर कर लें, ताकि आपकी स्टडी भी कंटिन्यू चलती रहे, और जब आपकी रेगुलर क्लासेस कॉलेज के अंदर शुरू होगी तब आपकी ये सारी नोटबुक चेक की जाएगी आपके क्लास टीचर के द्वारा।